बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दवाई साहब खुद और मैं हूँ आपके साथ लोन हिंदला। इस वक्त हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के पेटकूट के बटमाल इलाके में मौजूद है। यहाँ का मुकामी का लोगों का कहना है यहाँ से बहुत टाइम से पानी नहीं आ रहा है, पानी की वजह से इन्हें सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है इनकी औरतें जो है यहाँ से कम अज़ कम 1 से 1.5 किलोमीटर जाके पानी लाते हैं। यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकामी लोग हमारे साथ जुड़े, चलिए उनसे बात करते और जानने की कोशिश करते आखिर इनको किन किन मुश्किल का सामना करना पड़े। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। मैं पेटकूट माला बटमाला से कहता हूँ, हमें पानी की बहुत दिक्कत थी। गाँव में पानी चलता है ले हमारे को नहीं चलता है कुछ भी। हम 4-4 दिन 5-5 दिन पानी के लिए मरते हैं। हमारे हमें इतना बोले कितने टाइम से आपको ये प्रॉब्लम है और आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? हमें ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से है, कभी कभी आता है कभी कभी आता ही नहीं है। जो बीच के मुलाजिम है वो भी हमें कोई तवज्जो नहीं देते हैं। हम रोज उनको फ़ोन करते हैं, वो कुछ भी करते ही नहीं है। डेट बोलते हैं हम आएंगे लेकिन आते नहीं। आए तो हमें पता भी नहीं चलता है। गाँव को इस वक्त भी पानी चलता है, हमारा बटमालों को पानी नहीं चलता है। हमारे लिए कोई कोशिश नहीं करते। बहुत सारे दफ़ा हम डी के पास गए, डीसी साहब के पास गए, उन्होंने बोला आप लोगों के लिए लैंड दे देंगे, दूसरा रिजर्व दे देंगे, वो कुछ नहीं देते हैं। थोड़ा है ऊपर चश्मा है वो का सूखता है तो हमें पानी होता ही नहीं। हमारे लिए हुकूमत कुछ नहीं करती है। अच्छा, मोदी साहब ने बताया कि हर गाँव को हर घर को पानी दे देगा, हमारे लिए तो पानी का करबला बन गया। यहाँ कुछ भी नहीं है हमें पानी का। इस टाइम आप पानी के लिए क्या करते हो, कहाँ से पानी? कम अज़ कम 2-3 किलोमीटर से चश्मों से किसी से लाते हैं, जहाँ थोड़ा चश्मा। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ की औरतें कहाँ से पानी ले सकते हैं। आप कैमरामैन से गुजारिश करना चाहो इनकी तरफ, आप कैमरा घुमाए, आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे कितने दूर से ये पानी ले आते हैं। यहाँ पे एक नाला है, वो बिल्कुल वहाँ से नाले पे जो पानी है वो बिल्कुल ख़राब है, वहाँ से वो पानी लेकर आते हैं घरों के लिए। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक शर्मनाक बात है। आप बताइए काका और कितने प्रॉब्लम है यहाँ पे, और आप बताएं हमें और यहाँ पे कितने घर है जो यहाँ पे पानी नहीं? हमारे पानी है, हमारे 10-15 घर हैं जो जिसको हमें पानी इस वक्त है ही। ये देखो हमारी लड़कियाँ 10-10 हैं घड़े लेकर, बर्तन लेकर पानी लाने के लिए। आप पीछे मुड़ कर देखिए, वो देखो कितने लड़के हैं पानी के लिए तैयार हैं। आप बोला हमारी भाई कितने टाइम से यहाँ पे पानी नहीं है और पानी की वजह से आपको किन मुश्किल के 10 दिन हो गए कुछ पानी नहीं। भाई आज पे पूरे गांव को पानी है मगर हमारी जो मेन पाइप वहाँ से ऊपर से आप हमें बताइए कितने टाइम से यहाँ पे पानी नहीं है और पानी की वजह से आपको किन किन मुश्किल का सामना? पानी तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है मगर वो कभी कभी आ रहा है। वो यहाँ पे जो ये लाइनें बिछाई हुई है ये सिर्फ दिखावे के लिए, पानी नहीं चल रहा है। देख सकते हो आप खुद ही नल में पानी है या नहीं। आप बताए आंटी कितने दिन से हमें पानी यहाँ पे नहीं है? आप क्या कर लिए पानी के लिए, कहाँ से? मुकुर आब डाइपर बलाय बतर यहाँ से जो ये सामने जो नाला है वहाँ से नाल आब खे बह नोट ये आब सारा माज त खेस तेहे आब अ तुम नजर अच्छे तुम दू अ हालत। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे? आप बताए आंटी आपको कितना प्रॉब्लम हो रही है पानी की वजह से? आप इस टाइम पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ पे कितने घर हैं जहाँ पे जिनको पानी नहीं है? 10 घर हमारे साथ और भी मुकामी लोग जुड़े, चले इनसे भी बात कर लेते हैं। आप आंटी हमें बताइए कितने दिन से यहाँ पे पानी है कश्मीर? यहाँ पे जो मुलाजिम है उनके साथ आपने बात की, वो क्या बोल रहे हैं? टैंकर
کہ لکڑ لکڑ بچہ مثال یہ ون چلے کلان کت گو مطلب نی مزہ مطلب بچہ پہ ترت سن ہے ہن نیال آب ات کرو تھی ات وچو ات کتہ گندگی یہ آب مطلب کھانا اور اس ٹائم آپ پانی کہاں سے لاتے اور کتنا دور ہے یہاں پہ پانی ایک محل پہ بیس محلس گا آب آنے یہاں سے کتنا لگ بھگ ایک کلو میٹر یہاں پہ وہ آپ اس ٹائم نالے کا پانی نالے کا پانی میں یہاں پہ گیٹ والا لگایا ہے اوپر کسی گھر والے نے یہ پتا نہیں ہے کس گاؤں والوں نے لگایا کہ کس نے لگایا ہمیں پانی ٹوٹل نہیں آتا ہے دیکھو ہمارے کوئی پی ایچ والا ہماری اتنی پرابلم ہو رہی ہے کہنے کی بات ہی نہیں یہاں کے دیکھو یہاں پہ ایگزن صاحب ہے آپ نے ایگزن صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی یہاں پہ کوئی آتا ہی نہیں ہم نے اس کو فلٹر والے کو 10-15 بار بولا وہ تو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ جو ملازم ہیں وہ یہاں پہ نہیں آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں وہ تو سیدھ وہ بات ہی نہیں کرتے ہم سے یہاں پہ آتے ہی نہیں گیٹ والا لگایا مین پائپ آپ خود ہی دیکھ سکتے گاؤں کو پانی ہے اس ٹائم ہمارے کو نہیں ہماری نلکے چلنے سے کچھ پرابلم ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے ہمیں علیحدہ لائن دے دیں لگ بھگ یہاں پہ کتنے گھر ہیں جن کو پانی نہیں دس گھر ہیں دس گھر ہیں جن کو پانی ہے ہی نہیں ہم روز سیال کو بھی مرتے ہیں باہر کو بھی مرتے ہیں پانی کے لیے ہمارا کوئی سورس ہی نہیں ہمیں چاہیے علیحدہ لائن دے دیں جس سے ہمیں پانی کا گزارا ہو جائے ہاں اگر گاؤں والوں کو پانی نہیں چلتا ہے وہ گیٹ والوں لگاتے ہیں یا پتہ نہیں ہے پی ایچ ای والوں نے لگایا یا گاؤں والوں نے وہ نہیں کہہ سکیں گے ہم تو لیکن مہربانی کر کے ہمیں علیحدہ لائن دے دو جس سے ہمارا گزارا چلے اگر گھنٹہ ہی چلتا ہے پانی ایک ہی گھنٹہ ہمیں اگر ملے گا تو ہم تو برتن بھر دیں گے نا ہم پانی کے لیے مرتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے یہ گیٹ لاسٹ میں آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے کیا میسج دیں ہمیں پانی چاہیے بس جی ہاں پانی چاہیے جیسے گورنمنٹ بولتا ہے ہر گھر کو پانی دے دے گا اس لیے ہمیں پانی چاہیے جی ہاں ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے برتن علاقے سے بات کی ان کا کہنا ہے یہاں پہ پانی کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں کی عورت جو ہے وہ کم از کم 1-1.5 کلومیٹر جا کے پانی لاتے ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے آپ بنے رہے وائس آف ٹوٹ کے ساتھ فی الحال مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ